फैक्ट नंबर वन। गाइस आप लोगों ने फ्यूल से उड़ने वाला हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने सौर ऊर्जा से उड़ने वाला हवाई जहाज को देखा है? दरअसल दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से उड़ने वाला हवाई जहाज सोलर इंपल्स एक था, जिसने 8 जुलाई 2010 को लगातार 26 घंटे की उड़ान भरी थी। सोलर इंपल्स दिन में सूर्य की ऊर्जा से अपनी बैटरी चार्ज करता है, जो दिन और रात दोनों में उसे उड़ने के लिए पावर देती है। सोलर एनर्जी से उड़ने वाला हवाई जहाज मेनली कार्बन फाइबर से बना हुआ है और इसका वजन 2300 किलोग्राम है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि सोलर इंपल्स के न्यू मॉडल भी है, जिसे सोलर इंपल्स 2 के नाम से जाना जाता है। सोलर इंपल्स 2 के पंखों पर कुल 17,248 सोलर सेल लगी हुई है, जो कि चार बड़ी लिथियम पॉलीमर बैटरियों को चार्ज करती है। और सोलर इंपल्स 2 की मैक्सिमम स्पीड 145 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी हवाई जहाज की लंबाई 74 फीट और पंखों की लंबाई 236 फीट और ऊंचाई 21 फीट है। फैक्ट नंबर 2। गाइस जब बात पानी को साफ करने की आती है तो हमें लगता है कि ये काम सिर्फ मशीनों के जरिए ही हो सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी के सफाई का काम ओस्टर नाम का एक जीव भी करता है। एक एडल्ट ओस्टर एक दिन में 50 गैलन तक के पानी को साफ कर सकता है। ओस्टर पानी के सफाई या तो गंदगी को खाकर करते हैं या फिर गंदगी को साथ में मिलाकर बड़ा कर देते हैं, जिससे ये गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी उपयोग के लायक साफ हो जाती है। अभी आप अपने स्क्रीन पर जिन दो टंकों में रखे पानी को देख रहे हैं, उन दोनों ही टंकों में एक जैसा गंदा पानी एक ही समय में रखा गया था, जिसमें एक टंक का पानी वैसे ही गंदा बना हुआ है जबकि दूसरे टैंक का पानी साफ हो चुका है, क्योंकि दूसरे टैंक में वेस्टर रखा गया था। फैक्ट नंबर 3। गाइस आमतौर पर डॉग की उम्र 10 से 13 साल तक होती है और ज्यादातर डॉग्स इतने उम्र तक ही जी पाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब तक का सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला डॉग का उम्र कितनी थी और उसका नाम क्या था? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल अब तक का सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला डॉग का नाम था ब्लूई। ब्लूई एक ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग था जिसकी उम्र 29 साल और 5 महीने थी, जिसकी वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। ब्लूई विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में 1910 से 1939 तक अपने ओनर लेस हॉल के साथ रहता था और हॉल के कैटल और शीप के बीच में काम किया करता था। अब आप जान गए हो कि अब तक का सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला डॉग का नाम क्या था।